वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज है शुक्रवार है और टाइम आप देख सकते हैं 2:20 हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आज शुक्रवार है तो आज मेरा व्रत भी है। अच्छा, आप लोग ना कुछ सजेस्ट करिएगा प्लीज़ मुझे, क्योंकि मैंने ये वैभवलक्ष्मी व्रत उठाया हुआ है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे आई थिंक, अभी तो पूजा करने जा रही हूँ लेकिन अब ये कंप्लीट होने वाला है। ये नंबर्स में रखते हैं ना, जस्ट मेरा टीवी की आवाज़ आ रही है। आप जो टीवी देख रहे हैं तो मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि अभी मेरा कंप्लीट होने वाला है, ये नंबर्स में ही रखा जाता है व्रत। आप में से बहुत लोगों को, लेडीज़ को तो पता होगा ही। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं इसको उद्यापन कैसे करूँगी, क्योंकि उद्यापन में ना होता है कि सुहागन औरतों को बुला करके उनको प्रसाद देना, खिलाना और जो सुहाग होता है वो देना सबको। तो ये मैं कैसे करूँगी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस दौरान जैसे मैं हमेशा से रखती आई हूँ, बहुत पहले से शादी के बाद से रखना शुरू किया था। मुझे पहले व्रत के बारे में पता भी नहीं था, मैंने पहली बार अपनी नन से ही सुना था इस व्रत के बारे में और हम दोनों ने साथ में किया था। उसके बाद हम लोग कई साल से मैं और मेरी जिठानी हम दोनों साथ में कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह हैं बट ये कि एक साथ शुरू करते हैं। तो अभी बीच में 2-3 साल का गैप आ गया था। तो आप लोग सजेस्ट करिए यार प्लीज़ कि मैं कैसे उद्यापन करूं, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, आप किसी को घर बुला नहीं सकते, लोग भी सेफ नहीं फील करते और आप भी सेफ नहीं फील करते। तो इसका उद्यापन कैसे करूं मैं, मेरे जो दिमाग में आ रहा है वो ये कि मैं खीर का जो प्रसाद बनाऊंगी। अब ऐसे तो बुलाती मैं सबको, डिनर कराती, कुछ भी बिना लहसुन प्याज का पूरा प्रसाद बनता सब कुछ माता रानी को चढ़ा के तब, और मेन प्रसाद इसमें खीर और नारियल होता है तो वो मैं सबको देती। लेकिन जब शुरू किया था तब लगा कि सिचुएशन सुधर रही है तो आराम से हो जाएगा उद्यापन, और अब सिचुएशन नहीं है ऐसी। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है आइडिया वो ये है कि मैं जो स्टील के बाउल होते हैं ना, जो कवर लिड वाले, तो वो ले लूँ, उसमें मैं सबको प्रसाद दे करके घर घर पहुँचा दूँ और सुहाग की चीज़ें सारी कुछ जो भी दिया जाता है प्रसाद में वो सब मैं लोगों के घर घर पहुँचा दूँ। कम से कम 7 या 14 जितने लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रसाद, तो देखिए कि आप मैक्सिमम लोगों को दे दें तो बहुत अच्छा है। तो ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है। फिर खाना पीना किसी का नहीं हो पाएगा, ये है कि डोर टू डोर पहुंचा दिया किसी तरह से प्रिकॉशन लेके। लेकिन वही है ना कि फिर सामने वाले को भी आप प्रसाद दो, और खीर ऐसी चीज़ है, आप किसी के भी घर से आई है, कुछ भी चीज़ ऐसी है, इस समय प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको खाएंगे या नहीं खाएंगे या वेस्ट जाएगा ये भी डर लगता है कि माता रानी का प्रसाद है यार, बिल्कुल सिक्योरिटी हर कोई ले रहा है, इसमें किसी को गलत नहीं कह सकते आप। लेकिन क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे अभी तक केवल यही एक हल दिख रहा है। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सजेस्ट करिएगा कि और भी इससे बेहतर आइडियाज़ आपके पास हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा मैं अपना ये व्रत का उद्यापन कैसे करूं, क्योंकि इसका जो लास्ट व्रत होता है उसी दिन उद्यापन किया जाता है। मेरा 1 या 2 बचा हुआ है, मतलब आज का छोड़ करके, और 1 या 2 और रखना है मुझे, तो मे बी शायद नेक्स्ट वाले में मुझे करना हो। मैंने एक्चुअली मैं जब पूजा करती हूँ ना तो उसी समय एक काउंटिंग डाल देती हूँ कि मेरे कितने शुक्रवार हो गए, ऐसे तो नहीं याद रहता है। तो कैलेंडर में छोटा सा कैलेंडर मैंने रख रखा है मंदिर में, तो वो उस पर मैं डेट डाल देती हूँ कि हाँ कहाँ से कहाँ तक मेरा हुआ व्रत। तो ये छोटी सी अपडेट थी और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपके पास और बेहतर आइडिया हो
तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। और बहुत लेट हो गया है, काम ख़त्म करना और सारी चीज़ें, और नहाने में थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी। मुझे ना इधर मैं बताऊँ, 15-20 दिन से मैं थोड़ा पेन में थी, मुझे बैक में आई शेप में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे शोल्डर्स में, बैकबोन में और लोअर वेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था। मतलब ये था कि अभी तो 4-5 दिन से इतना हो गया था कि अगर मैं सर नीचे करके जैसे बर्तन धुलना है या खाना बनाना है तो उसमें क्या हो रहा था कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, चक्कर आने लगता था और लगता था कि सर इतना हैवी हो गया है कि वो गिर जाएगा। तो कल ही मैंने जो है डॉक्टर से बात भी करी और उनकी सलाह पे उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा झुकने वाले काम नहीं करने हैं, मतलब अभी की जैसे नीचे देखना भी, तो क्योंकि YouTube कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि संभव ही नहीं है कि आप स्क्रीन से दूर रहें, और क्योंकि मैं मोबाइल में ही सारे काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग, तो मुझे वही टेंशन हो रही है कि ये तो काम ही हो गया है ना, और इसको मैं कैसे छोड़ दूँ। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं अगर अभी तो उन्होंने 15 दिन की दवा एक दी है और एक 5 दिन की दी है, दो दवाएं दी हैं उन्होंने, तो उन्होंने कहा भी कि आप देख लीजिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो वही हस्बैंड भी कह रहे थे कि लगातार इस तरह से दिन भर मोबाइल में तुम जो लगी रहती हो ना, तो मे बी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होगा, तो कॉलर वॉलर लगाना पड़ेगा, इसलिए सुधर जाओ। तो क्या सुधरें यार, क्या कैसे करें, है ना, ये वाली बात है। और मेरी बिंदी बताइएगा, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड को अच्छी लगती मेरे ऊपर बड़ी बिंदी, तो मैंने अभी नहाने के बाद यही लगा ली। अब पूजा करूँगी, प्रसाद बनाऊँगी, उसके बाद फिर कुछ चाय या फ्रूट्स वगैरह लूँगी, फिर शाम को पूजा करती हूँ, इसमें तो शाम को पूजा होती है ना, तो शाम को फिर करूँगी पूजा। चलिए फिर मिलती हूँ शाम को। बैक टू निशाज रेनबो दोस्तों, कल दोपहर में मिली थी मैं आपसे, कल मेरा व्रत था और उसके बाद शाम को मैं कुछ शूट नहीं किया, मैंने व्रत था, थोड़ा काम भी ज़्यादा था तो थकान हो गई थी, और आज सुबह से भी मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से। अभी मैं हूँ यहाँ पे, 9:30 बज रहे हैं, अभी मैंने कैमरा ऑन किया रात के 9:30, तो खाना भी हुआ नहीं है, सब्जी फ्राई करने जा रही हूँ। हेलो अब्रा, हेलो। और इधर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, शाम की चाय आज हम लोगों ने जल्दी पी ली थी, लगभग 6:30-6:30 के आसपास, और बहुत अच्छी आज हवा चल रही है बाहर, है ना। लेकिन हाँ, बहुत तेज है, एकदम तुम्हारा लैंप गिर गया था, किसी तरह काम कर रहा था। यस, मेरा लैम्प गिर गया था, हाँ। बुद्धा वाला, लेकिन टच वो टूटा नहीं, डैमेज नहीं हुआ, हाँ। तो इधर मैंने दूध रखा है और उसके बाद सब्जी बना रही हूँ। सब्जी में बना रही हूँ, आपको दिखा दूँ, तोरी तो 1 किलो है, लेकिन ये बनेगी 1 बंदे के लिए, क्योंकि इसमें ना मसाला डाल रही हूँ ना आलू डाल रही हूँ, दोनों चीज़ें नहीं। ये मेरे यहाँ केवल लहसुन और मिर्च से फ्राई होती है और पतिदेव को और अर्श को बहुत पसंद है, तो उन्हीं दोनों के लिए बनेगी। और देखती हूँ कुछ आलू का ही बनेगा, आलू तो बॉयल्ड मेरे पास पड़ा ही रहता है। और आप लोग बताइए भाई, मैंने सोचा था कल कि मैं कैमरा ऑन करूँगी और बस ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया, कोई खास वजह नहीं थी, बस ये था कि कुछ खास था नहीं शूट करने में,
मैंने ऑन नहीं किया। और सब्जियाँ आज आई थी तो धुल के रख दिया है, वहाँ टेबल पे लगा दिया है, सब सूख रहे। आलू के पराठे खाने? हाँ। नो पराठे, अपने कल रात भी पराठे खाए और सुबह भी। इसमें केवल तुमने कहा था कि शाम के लिए रख देना, तो वो एक तो रख दिया है मैंने आपके लिए शाम के लिए। हाँ, लेकिन तो रात में नहीं बनाऊंगी मैं पराठे, रोटी बनेगी। ठीक है, रोटी और पराठा। और अभी आलू पड़ी हुई है तो अब इसको निकाल के मैं रख देती हूँ बास्केट में। अभी कल से तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, क्योंकि ना बड़ी गर्मी थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी। चलिए आप लोगों को मैं थोड़ी सी हवा दिखाती हूँ। अच्छी हवा चल रही है, मतलब बिल्कुल प्लीजेंट सी। दरवाज़ा धक्का मार रहा है। खराब पुदीना दिया है सब्जी वाले ने। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा अपना लेकर जाओ, फ्रेश है तो दो, अदरवाइज तो। खुश हुई हूँ, आज कॉफी बना देती हूँ। अर्श को भी कॉफी बहुत पसंद है और इनके पिताजी को भी कॉफ़ी बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है यार, तो बना लेती हूँ। कप मंगाए थे अमेज़ॉन से, अभी बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये बच्चों के लिए कभी कोल्ड कॉफ़ी, कभी लस्सी या छाछ वगैरह बनाया, तो मैंने अर्श और अभ्र के लिए ही मंगाया है ये। और ये है ब्लिंक मैक्स की, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो, और देखने में भी बड़े प्यारे लगे मुझे। इनका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। पिछले साल दोस्तों बहुत लोगों के घरों में बनी है डालगोना कॉफी, याद ही होगा आप लोगों को, मैंने नहीं बनाया था। लेकिन मैं जो कॉफी बनाती हूँ ना, वो डालगोना टाइप ही होती है। मैं वही पुराना बेसिक तरीका रहता है मेरा, कटोरी में शुगर ले लिया, उसमें कॉफी ऐड करी और थोड़ा सा पानी के साथ उसको बस व्हिप करना है। कॉफी तो मैं ये वाली ही यूज करती हूँ फ्रेंड्स, और ये वाले जो कांच के ये होते हैं ना पॉट, क्या बोलेंगे इनको, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मैं ये मेरा शायद 3-4 साल से ये डब्बा चल रहा है, तो रिफिल पैक लेती हूँ, उसको फिल कर लेती हूँ धुल करके, ऐसे ही चल रहा है। और मुझे बनानी है 2 कप कॉफ़ी, मैंने उसके अकॉर्डिंग चीनी और ये ले लिया है, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी।
पानी थोड़ा ज्यादा ले लिए क्योंकि पीना है मुझे, और बहुत अंधेरा सा आ रहा है ना, मेरे सामने की लाइट डाइनिंग रूम की नहीं जलाई हुई है। आजकल कीड़े बहुत आ रहे हैं पता है, जब से बारिश हो गई है तब से थोड़े से कीड़े आ जा रहे हैं। रिक्वायर्ड पानी ले लिया मैंने इसमें, और अब इसको बस मुझे फेंकना है। आप लोग कैसे बनाते हैं कॉफी? बहुत लोग क्या करते हैं ना, बॉइल्ड दूध में शुगर डाला और इसको डाला और ले लिया। जैसे मैं टी लवर हूँ, मुझे कॉफी का बहुत शौक कभी नहीं रहा। कोल्ड कॉफी पी लेती हूँ लेकिन हॉट वाली बहुत पसंद नहीं है। कॉफी के कप के साथ मिलती हूँ, और अगर आप भी इतने टाइम कॉफी के शौकीन हो तो ले लीजिए। ऐसे ही खाना खाने के बाद ज़्यादा अच्छी लगेगी है ना कॉफी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी दे दूँ। दोस्तों कॉफी मेरी फट गई है, आप देख सकते हैं। ये जो तरीका है ना, बेस्ट तरीका है कॉफी बनाने का। बहुत गर्मी हो रही है एक्चुअली, भी आंधी आने का थोड़ा सा अंदेशा था, तो अर्श ने सारे ग्लास डोर्स बंद कर दिए और मुझे अब गर्मी लग रही है, तो मैं जा रही हूँ ओपन करने। चलिए पहले कॉफी दे देती हूँ सबको। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं मेरी सब्जी, ये 1 किलो तोरई है जो कि बनी है आज, और बहुत थोड़ी सी है। ये व्रत की आलू थी थोड़ी सी, मैंने कहा इसको गर्म कर लूं जिससे कि इसको निपटा दूं आज। तो फ्रेंड्स बस अभी आ रही हूँ मुंह धुलकर, रोटी सेकते सेकते ना बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, और अब हम लोग डिनर करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ गाइज, आजकल 2 दिन का या 3 दिन का व्लॉग जाता है तो माइंड मत करिएगा, है तो मेरे ही व्लॉग्स। तो कभी कभी हो जाता है ना कि नहीं हो पाता है, शूट नहीं कर पाते हो, या कभी कभी मन ही नहीं करता है, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट होने का मन बहुत रहता है। तो हाँ, आप लोग मेरी रील्स देखते हैं कि नहीं? रील्स प्लीज़ यार ज़रूर देखा करिए, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती बनाने में, मज़ा बहुत आता है, और प्लीज़ अप्रिशिएट किया करिए ना, अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं बहुत बेसुरी हूँ, मैं गाना अच्छा नहीं गाती, मुझे आता ही नहीं है। तो ये जिसने भी बनाया है इंस्टाग्राम रील्स, उसको मेरी तरफ से हार्दिक 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 थैंक यू। क्यों? क्योंकि हम जैसे बेसुरे लोग भी इतना बढ़िया बढ़िया गाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो चेक करिएगा आप लोग मेरी आवाज़ इंस्टाग्राम पे, ठीक है? चलिए अभी मैं पैकअप करती हूँ और खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी, और फिर कल आपसे नए ब्लॉग में मिलूंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स। ये लास्ट में ना मेरा तवा गर्म था, तो मैंने सोचा क्यों एनर्जी वेस्ट करना, तो ये गर्म तवे का मैंने यूज़ कर लिया, और इस पर मैंने अपनी फ्रिज में रखी आलू गर्म कर लिए, और अभी इसमें धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है ना धुआं। तो एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। गुड नाइट फ्रेंड्स, और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पहली बार नहीं है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको
आता रहेगा, रुकेगा नहीं, और आप मैं कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, और शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।